हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक नई रेसिपी लेके आया हूँ। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहे शेफ अजय के साथ में। पहले स्टार्ट करते हैं रेसिपी को देर न करते हुए। ठीक है, सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी कैरेट की। तो कैरेट को आपको इस तरह से काट लेना है अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको काटना है उस तरह से आप काट सकते हैं। इसको बारीक काटेंगे तो थोड़ा जल्दी कुक होगा, इसलिए क्या मैं बारीक काट रहा हूँ इसको। डाइस कटिंग है वो बारीक काट रहे हैं वो। ठीक है, डाइस को इस तरह से काट लेना है आपको, इससे बारीक भी आप काट सकते हैं आप चाहें तो, आपको जल्दी कुक करना है तो। ठीक है, तो सबसे पहले फिर हमें लेना पैन लेके फिर उसके अंदर हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। ठीक है, ऑलिव ऑयल डालने के बाद उसके अंदर डालेंगे गार्लिक इस तरह से। फिर गार्लिक को थोड़ा सा कुक करना है आपको एक मिनट तक, एक या दो मिनट तक आप कुक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसके अंदर हम डालेंगे जो कैरेट हमने काटी थी डाइस वाली, छोटी छोटी डाइस काटी थी वो वाली हम डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा भून लिया गार्लिक को हमने एक मिनट, उसके बाद हम इसके अंदर कैरेट डाल रहे हैं। ठीक है, तो कैरेट को इस तरह से भून लेना है आपको। कैरेट को भी आप आराम से एक दो मिनट भूनेंगे ताकि क्या होगा आपकी जो कैरेट है वो जल्दी कुक हो जाएगी। बाकी आप डायरेक्ट कुक करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए क्या इसको थोड़ा सा भूनने से क्या होगा कैरेट जल्दी कुक होती है। तो इस तरह से आपको भून लेना है इस कैरेट को। ठीक है, आराम से भून लो दो बार। फिर इसमें दो चम्मच पानी डालेंगे हम। दो चम्मच यानी ये जो चम्मच है थोड़ा डीप वाला है, तो एक गिलास पानी होगा इसमें समथिंग। ठीक है, एक गिलास पानी डाल के उसको कुक करना है, इस तरह से पका लेना है इसको। ठीक है, इस तरह से कुक जैसे कुक हो रहा है, उसके बाद फिर हम उसको करेंगे ब्लाइंड। फिर इसको हम ब्लाइंड कर देंगे। ब्लाइंड करने के बाद थोड़ा सा थिकनेस आ गया, थिकनेस करने के लिए हम थोड़ा सा उसके अंदर पानी डालेंगे ताकि क्या होगा सही दुख सूप, हम क्योंकि हम सूप बना रहे हैं सूप की कंसिस्टेंसी बनी रहे, इसलिए क्या इसका इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे एक चम्मच के। फिर इसको हम स्टैंड कर लेंगे ताकि जो हमारा सूप है वो एकदम प्योरीफाई बनेगा और अच्छा बनेगा टेस्ट, और एक अच्छा एक लुकिंग वाइज भी अच्छा लगेगा। तो बड़ा प्यारा सा कलर आया सूप का, आप देख सकते हैं कि कैरेट वाला सूप बना है, एकदम प्यारा लवली वाला सूप लग रहा है, देख के पीने की इच्छा हो रही है। मेरी जो रेसिपी आपको पता है बहुत ही अच्छी होती है और दिखने में भी अच्छी होती है, टेस्ट में भी अच्छी होती है। ठीक है, अरोमेटिक डाल रहा हूँ इसमें, तो अरोमेटिक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डालना है। उसके बाद इसके अंदर आपने हल्का सा ब्लैक पेपर डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, और हल्का सा सॉल्ट डालेंगे, इसके अलावा इसके अंदर कोई नहीं कुछ नहीं डालेंगे सीजनिंग में। ठीक है, इसका थोड़ा सा टेस्ट सूप को थोड़ा सा अलग टेस्ट देने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पेस्टो सॉस डाला है। पेस्टो सॉस जो होता है पेस्टो फ्लेवर डालना, मतलब जो बेसिल का फ्लेवर होता है जो मैं इसके अंदर सूप के अंदर लाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट किया है मैंने, तो इसलिए इसके अंदर पेस्टो डाला है। तो आप भी थोड़ा सा पेस्तो चाहे आप तो चाहे और कुछ भी ग्रीन कलर डाल सकते हैं इसमें, या फिर आप ऐसे ही डायरेक्ट पी सकते हैं। तो ये बनके हमारा सूप रेडी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहे शेफ अजय के साथ में। इसी तरह थैंक यू दिल से आप सबको, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी रेसिपी को देखते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, इसलिए मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गार्निश का जो आता है तो गार्निश को पता है, जब शेफ अजय अगर गार्निश कर रहा था उसकी जो गार्निश होगी वाव फैक्टर वाली होगी। ठीक है, तो ये बेसिल का मैंने अंदर जो फ्लेवर डाला था इसलिए ऊपर बेसिल ऑयल डाल रहा हूँ मैं गार्निश के अंदर, और ऊपर एक बेसिल लीफ लगा दूँगा। आप चाहे तो कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो बेसिल लीफ डालिए, थोड़ा सा बीटरूट के मैंने डाइस मतलब जूलियन डाले थे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहे शेफ अजय। थैंक यू।